नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिल्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेसवार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि थानाबाग पुलिस एवं क्राइम ब्रांच धार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने चोरी की, लूट और नकबजनी की 13 वारदातों में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज धार पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच धार और थानाबाग की टीम ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की, जिसमें कई मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें 9 बड़े नकबजनी के मामले हैं और 4 लूट का खुलासा हुआ है। इनमें से 2 बड़ी नकबजनी रही और 4 जो लूट थी उसमें बंधन बैंक के मैनेजर से लूट और एक पति पत्नी से लूट और अन्य जितने भी गंभीर मामले थे उनका पुलिस द्वारा आज खुलासा किया गया। इस पूरे उसमें 16 लोगों के गैंग को आइडेंटिफाई किया गया है जो चोरी, नकबजनी और लूट करते हैं, और उनमें से 9 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनसे अभी सोना चांदी के आभूषण, जिसमें करीब 100 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी, 15 मोबाइल, 1 LED TV, 1 पिस्टल और अन्य सामग्री बरामद की गई है और कुल मशरूका 4.5 लाख रुपए का इनसे रिकवर किया गया। देखिए, इनका जो ग्रुप था जिसमें बंधन बैंक वाली लूट थी उसमें ये लोग शराब पीने के बाद इन्होंने रैंडमली बंधन बैंक का जो मैनेजर है उसको सिलेक्ट किया और उसको गोली चला दी, और ये अन्य अपने शौक पूरे करने के लिए जो है चोरी और लूट करते थे। नकबजनी में ये CD का इस्तेमाल करते थे और गैस कटर और अन्य भी टूल्स का इस्तेमाल करते थे। धार से ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।